हाँ तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति का परिचय। तो इस वीडियो में बने रहिए आप। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि निर्देशांक ज्यामिति क्या है, इसके पिता कौन है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, यह जो है ना हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण माना जाता है यह चैप्टर, इसके बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए नए आए हैं या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए और घंटी के बटन को दबा के ऑन रखिएगा ताकि मेरा एक भी वीडियो जो है ना आपको छूटेगा नहीं, ठीक है ना। तो और एक काम जरूर आप कर दीजिएगा कि जो आसपास में जो स्टूडेंट 10 में पढ़ते हैं उसके पास ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए यूट्यूब जो है ना, यानी कि स्टूडेंट जो है ना सही चैनल तक नहीं पहुँच पाते हैं, ठीक है ना। अगर सही चैनल तक पहुँच जाते हैं तो उसको जो है ना लाभ हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने दोस्तों में यह वीडियो शेयर करें। हाँ दोस्तों, फालतू में शेयर नहीं कीजिएगा, जैसे कि यानी कि जो स्टूडेंट्स को यह जरूरी है, जिसको इस वीडियो का आवश्यकता है, जो कक्षा 10 में पढ़ते हैं उसको जरूरी है, उसी को आप जो है ना इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। बाकी बात शेयर करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो तो देखेगा नहीं। इसलिए चलिए आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और शुरू करते हैं आज का चैप्टर हम लोग निर्देशांक ज्यामिति। बहुत ही मस्त चैप्टर है। और देखिए कितना स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर चैप्टर जो है ना बहुत कठिन लगता है, लेकिन मैं जैसे कि आपको एपी पढ़ाया हूँ, ठीक है ना, उससे कई गुना इजी मैं आपको इसको बताऊंगा। किसको? निर्देशांक ज्यामिति को। नहीं यकीन है तो मेरा प्रत्येक वीडियो आप देख लीजिएगा कि इतना इजी मैं आपको इतना अच्छे तरह समझा के पढ़ाऊंगा निर्देशांक ज्यामिति। मेरा विश्वास है कि आपको मैं समझा के बताऊंगा, ठीक है ना, समझा ही दूंगा कि निर्देशांक ज्यामिति कैसे पढ़ा जाता है। तो चलिए इसमें पहले जानते हैं हम लोग निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं, इसके पिता कौन है, इसको गणित में किसने लाए हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो इसको हम लोग नियामक ज्यामिति कहते हैं या फिर निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चलिए परिभाषा पहले जानते हैं इसका, डिफिनेशन, परिभाषा। किसका परिभाषा? तो निर्देशांक ज्यामिति का परिभाषा। कोई प्रश्न आपसे पूछ देगा कि निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं, तो आप जवाब नहीं दे पाइएगा, ठीक है। इसलिए आप कॉपी लेकर नोटबुक लेकर बैठ जाइए और मैं जितने परिभाषा इसमें बताऊंगा आप सब नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल 100% प्योर है, शुद्ध है, एक भी मैं आपको गलती नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है। बिल्कुल एकदम श्योर रूप से कन्फर्म मैं जो भी चीज़ आपको पढ़ाता हूँ बिल्कुल कन्फर्म होगा, 100% सही में पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो परिभाषा जानते हैं निर्देशांक ज्यामिति का, ठीक है ना। चलिए आप भी लिखिएगा कॉपी में अपना, ठीक है ना। गणित की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी बिंदु की स्थिति के बारे में अध्ययन करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नियामक ज्यामिति कहलाता है, ठीक है। तो क्या लिखे? गणित की वैसी शाखा, एक ऐसा ब्रांच है गणित का, एक ऐसा जो है ना शाखा है, एक डाली है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ बिंदु की स्थिति के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? बिंदु की स्थिति के बारे में, है ना। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। निर्देशांक ज्यामिति का जनक, जनक का मने हुआ फादर, ठीक है ना, मैंने पिता हुआ। निर्देशांक ज्यामिति का जनक रेने दकार्ते, क्या? रेने दकार्ते, आर ई एन ई, रेने दकार्ते,
डी एस सी ए आर टी ई, रेने दकार्ते को कहा जाता है। जिन्होंने निर्देशांक ज्यामिति को गणित में लाया और गणित में लाया और क्या किया, और इससे संबंधित कई सारी नियम व शर्त दिए। चलिए बस इतना ही काफ़ी है लिखने का, तो और भी लिखा जाता है इसके बारे में, ठीक है ना, इसका प्रयोग कहाँ होता है, ठीक है ना, इसके बारे में। तो चलिए आप सिर्फ इसमें जानना है कि निर्देशांक ज्यामिति का परिभाषा क्या होता है, ठीक है ना। बिल्कुल यह परिभाषा जो है बिल्कुल सटीक परिभाषा है और बिल्कुल 100% शुद्ध परिभाषा, अच्छा परिभाषा है, ठीक है ना। चलिए आप भी अपना कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो परिभाषा है कि गणित की वैसी शाखा, देखिए निर्देशांक ज्यामिति जो है गणित का ही एक शाखा है, एक चैप्टर है, वैसी शाखा जिसके अंतर्गत, ठीक है ना, निर्देशांक ज्यामिति गणित की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत किसी बिंदु की स्थिति के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। उसके बाद मैंने क्या लिखा कि देखिए कि निर्देशांक ज्यामिति का जो जनक होता है, जो पिता होता है, तो निर्देशांक ज्यामिति का जनक होता है रेने दकार्ते। क्या होता, कौन होते हैं, रेने दकार्ते। और रेने दकार्ते ने क्या किया था कि सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति को गणित में लाया था, ठीक है ना, और गणित में लाए और कई सारे इन्होंने नियम भी दिए। तो देखिए इन्होंने एक बार की बात है, आप कक्षा 9 में पढ़े होंगे, थोड़ा इसके बारे में कहानी सुना देता हूँ आपको। एक बार क्या हुआ कि इन्होंने अपने घर में ऐसे ही चौकी पर जो भी हो वह बैठे हुए थे और ऊपर ठाट को वह निहार रहे थे, देख रहे थे। उनके दिमाग में अचानक एक चीज़ आया कि मान लिया जाए कि कोई बिंदु है, कोई वस्तु है, कक्षा 9 में पढ़े होंगे टेबल वाला हिसाब होगा कि लैंप जो है ना, यानी टेबल पर कोई लैंप है, उसकी स्थिति के बारे में कैसे बताते हैं, वहीं पे इसका एक कहानी है, ठीक है ना। तो उन्होंने सोए सोए बिंदु का पता लगाने के लिए एक उसका दिमाग इस प्रकार से प्रश्न उठा कि मान लिया जाए कोई बिंदु, कोई भी वस्तु किसी जगह रखा जाए, जैसे मान लिया जाए यह कोई टेबल है, ठीक है ना, टेबल है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई वस्तु है, तो कैसे बताएंगे कि यह वस्तु कहाँ पे है। हम लोग तो सिंपल बोलते हैं कि वस्तु यहाँ है, लेकिन उसको हम लोग गणित भाषा में कैसे बोलेंगे कि बिंदु यहाँ पे है। तो उन्होंने इस तरह से विचार करते करते उन्होंने जो है ना निर्देशांक ज्यामिति पर अच्छी तरह से उन्होंने काम किए। किसने, तो रेने दकार्ते ने निर्देशांक ज्यामिति मतलब बिंदु के बारे में अध्ययन किया, इतना गहराई से अध्ययन किया कि उन्होंने एक चैप्टर ही दे दिया जिसका नाम है हम लोग का निर्देशांक ज्यामिति, और इसका जनक कौन है, रेने दकार्ते जी हैं, है ना। तो इन्होंने जो है ना निर्देशांक ज्यामिति को गणित में लाया और ला के छोड़ा नहीं बल्कि गणित में लाया और इससे संबंधित कई सारे नियम दिए, कई सारे शर्त भी दिए जो कि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए समय बचाने के लिए मैंने प्रश्न को लिख दिया क्योंकि एक वीडियो मुझे पूरा थ्योरम जो है ना हटाना है। तो चलिए, तो सबसे पहले हमारा आता है बिंदु। तो बिंदु क्या है, तो बिंदु आप लोग पढ़े होंगे कि बिंदु अंगहीन आकृति होती है, बिंदु न लंबाई होती है और न ही चौड़ाई होती है। देखिए अगर बिंदु लिखें तो यह एक अंगहीन आकृति है, इसमें नहीं लंबाई होती और न ही कोई चौड़ाई होती है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है बिंदु का निर्देशांक या नियामक बोलते हैं। देखिए किसी कार्तीय तल, कार्तीय तल का मतलब होता है प्लेन समतल। समतल बोले तो हमारा, हमारे लिए समतल हो गया बोर्ड, आपके लिए कॉपी हो जाएगा। तो कॉपी को बोर्ड को नहीं, जिस पे हम लोग लिख सकते हैं तो उसी उसको हम लोग कार्तीय तल कहते हैं। हमारे लिए कार्तीय तल कौन हो गया, बोर्ड हो गया। आपके लिए कार्तीय तल क्या हो जाएगा, आपके लिए कॉपी हो जाएगा। तो किसी कार्तीय तल में अक्षों से दूरी, जब एक्स अक्ष हो या वाई अक्ष हो, देखिए किसी कार्तीय तल में किसी बिंदु का, ठीक है ना, किसी कार्तीय तल में किसी बिंदु का एक्स अक्ष से या वाई अक्ष से, ठीक है ना, किसे एक्स अक्ष से
एवं वाहक से जो लंबा दूरी होती है, ठीक है ना, उस बिंदु को, ठीक है ना, वो जो लंबा दूरी होती है उसी लंबा दूरी को उस बिंदु का निर्देशांक या नियामक कहते हैं। देखिए जैसे कि मान लिया जाए कि हमारा ग्राफ हो गया, मान लिया यहाँ पे कोई बिंदु ए है, यहाँ से मेरा यह एक्स निर्देशांक हुआ, आप जानते हैं यह वाई होता है, यह वाई डैश होता है, यह एक्स होता है और यह एक्स डैश होता है, ठीक है ना। इसके बारे में और डिटेल से चर्चा करेंगे, सिर्फ आपको मैं बता देता हूँ कि यह बिंदु है, मान लिया कोई यहाँ पे बिंदु है जैसे दो हो जाएगा तीन हो जाएगा, है ना। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो लंबवत दूरी होती है ना, उसी दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं कि बिंदु का निर्देशांक कहते हैं, ठीक है ना। और देखिए यह निर्देशांक हमारा जो होता है दो तरह का होता है, नियामक जो है, नियामक दो प्रकार के होते हैं। नियामक हमारा होता है दो प्रकार का, पहला होता है हमारा एक्स निर्देशांक, क्या होता है एक्स निर्देशांक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग भुज कहते हैं, कहने मतलब हुआ एक्स को हम लोग भुज कहते हैं। और दूसरा में होता है हमारा वाई निर्देशांक, वाई निर्देशांक, निर्देशांक बोले या फिर नियामक बोले वही बात हुआ, नियामक का ही दूसरा नाम निर्देशांक है, देखिए नियामक का दूसरा नाम निर्देशांक है हमारा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्स वाई को क्या बोलते हैं कोटि कहते हैं। तो चलिए अब इसके बारे में जानते हैं कि एक्स अक्ष क्या होता है और वाई अक्ष क्या होता है ना। चलिए चलिए अब दोनों का परिभाषा है आपके पास, एक्स नियामक यानी जिसको हम लोग भुज कहते हैं, कहने का मतलब हुआ कि आपको दिमाग में सेट कर लेना है कि एक्स को हम लोग भुज कहते हैं, वाई को हम लोग कोटि कहते हैं ना, इससे आपका एक ऑब्जेक्टिव भी आता है। तो चलिए देखिए मैं वीडियो को इसलिए रोक के यहाँ पे लिख के बनाता हूँ ताकि मेरा इस वीडियो में ही एक वीडियो में जितना सारा इसका जो है ना थ्योरम होगा, जितना परिभाषा होगा, सब मैं इसमें लिख दूंगा, क्योंकि अगर मैं इस तरह से अगर लिखूंगा तो क्या हो जाएगा कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, शायद एक वीडियो में नहीं हटेगा, ठीक है ना। इसलिए आप जो है ना आराम से इसको नोट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, क्या है कि भुज भुज है ना। तो कार्तीय तल में किसी बिंदु का, देखिए मैंने लिखा है इसमें कि कार्तीय तल में किसी बिंदु का वाई अक्ष से दूरी, किसे वाई अक्ष से दूरी वह क्या कहलाती है, भुज कहलाती है, ठीक है ना। कार्तीय तल, कार्तीय तल का मैंने कोई प्लेन हो गया, कॉपी हो गया हमारे लिए, यह बोट हो गया कार्तीय तल। तो कार्तीय तल में किसी बिंदु का, ठीक है, कोई भी बिंदु का वाय अक्ष से दूरी, कौन दूरी, वाय अक्ष से दूरी, लंबा दूरी या फिर दूरी बोलिए, वाय अक्ष से लंबा दूरी एक्स निर्देशांक या भुज कहलाता है, ठीक है। इसका उल्टा परिभाषा हो जाएगा कि किसी कार्तीय तल में किसी बिंदु का एक्स अक्ष से लंबवत दूरी, एक्स अक्ष से लंबवत दूरी वह क्या कहलाता है, वाई निर्देशांक कहलाता है, जिसको हम लोग कोटि कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि एक्स का वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, भुज कहेंगे, और वाई का वैल्यू को कोटि कहेंगे। जैसे मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, इस तरह से देखिए ध्यान से कि पहला पॉइंट है बिंदु ए 3-4 में भुज एवं कोटि होगा। तो देखिए ध्यान से आपका यह ऑब्जेक्टिव पूछता है आपका एग्जाम में, ठीक है ना। तो देखिए भुज मैंने क्या बताया, जो एक्स है, एक्स है ना, एक्स अक्ष जो एक्स का मान है, तो एक्स का मान को हम लोग क्या बोलते हैं, भुज कहते हैं। जो वाई है तो वाई का मान को हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि कहते हैं। और आप तो एक्स वाई का मान जानते हैं कि पहला वाला मान एक्स होता है, दूसरा वाला मान वाई होता है, फिक्स है दोस्तों, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, ठीक है ना, परिस्थिति कुछ भी हो, हिसाब कुछ भी हो, लेकिन फिक्स है कि पहला मान एक्स होता है, दूसरा मान वाई होता है। आप 9th में पढ़े होंगे, आप 8th में भी पढ़े होंगे, और 10th में खुद पढ़ रहे हैं, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन जो पहला वैल्यू है, चाहे प्लस हो या माइनस कुछ भी हो, तो पहला वैल्यू क्या होगा, एक्स होगा, दूसरा वैल्यू वाई होगा, और एक्स को हम लोग भुज कहते हैं, वाई को हम लोग कोटि कहते हैं। तो प्रश्न में है भुज एवं कोटि, तो आपको लिखना है इस तरह से कि भुज और लिखना है कोटि, तो भुज हमारा हो जाएगा 3, कोटि हमारा 4। भुज का मतलब एक्स, पहला वाला होता है एक्स का मान, दूसरा वाला होता है वाई का मान, यह बात फिक्स है। अगला अगर दे दिया जाए कि बिंदु, चलिए B-3-4 में एक्स
निर्देशांक एवं वाई निर्देशांक का मान होगा। तो देखिए नियामक बोले या निर्देशांक बोले बात वही है, आपको आंसर लिखना इस तरह से, एक्स निर्देशांक का माने हुआ पहला वाला वैल्यू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भुज कहते हैं, हमारा आ जाएगा माइनस तीन। वाई निर्देशांक इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि कहते हैं, है ना, क्या हो जाएगा चार। तो हमने क्या बोला कि परिस्थिति चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, लेकिन जो है पहला जो वैल्यू होगा एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एक्स निर्देशांक, दूसरा होगा वाई कोऑर्डिनेट मतलब होगा वाई निर्देशांक होगा। आप यह बात जान लीजिए, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलिए। अगला पॉइंट है हमारा अक्ष कैसे कहते हैं, है ना, अक्ष कैसे कहते हैं। तो आप सभी भी जानते होंगे, कक्षा नौ में भी पढ़े होंगे अक्ष के बारे में, है ना। चलिए अक्ष क्या होता है कि कार्तीय तल पर क्षैतिज रेखा, ठीक है ना, और उदग्र को अक्ष कहते हैं, यानी यहाँ लिख सकते हैं क्षैतिज रेखा और उदग्र रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, अक्ष कहते हैं। क्षैतिज रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं, और उदग्र रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। और इन दोनों अक्षों के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, और इसका मतलब यह हुआ कि दोनों एक दूसरे को एक दूसरे पर क्या होता है, लंबवत होते हैं, अर्थात जो मूल बिंदु होते हैं ना, दोनों जो एक दूसरे काटता है ना, उसे कटान बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। देखिए मैंने तो लिख दिया लेकिन आप समझ नहीं पाए होंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ समझाते हैं, चलिए यहीं पे, चलिए आराम से, कोई हड़बड़ नहीं है। इसके बाद एक्स डैश, इसे एक्स कहते हैं, वाई इसे कहते हैं वाई डैश। ये जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है ना। और मूल बिंदु को ओ से सूचित किया जाता है, इसको हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष, ये जो है ना एक्स वाला, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, यानी कि इसका नाम है क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। उसके बाद जो ऊर्ध्वाधर है, जो लंबवत है, इस जो वाई अक्ष है ना, तो वाई अक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उदग्र रेखा कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान से देखिए, कार्तीय तल पर किसी प्लेन पर क्षैतिज रेखा, इसे कहते हैं क्षैतिज रेखा, ठीक है, और उदग्र रेखा, ये जो रेखा है उदग्र रेखा, क्षैतिज रेखा और उदग्र रेखा जो है ना, ये दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, अक्ष कहते हैं। क्षैतिज रेखा और उदग्र रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, अक्ष कहते हैं। वही लिखे हैं कि किसी कार्तीय तल पर क्षैतिज रेखा और उदग्र रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। इलावा एक्स अक्ष और वाई अक्ष, तो अक्ष होता है हम लोग का दो तरह से, कौन कौन अक्ष, एक होता है अक्ष एक्स अक्ष, एक होता है वाई अक्ष। तो क्या लिखे, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहा जाता है, जो रेखा वाला है ना क्षैतिज, ये जो गिरी हुई रेखा है, तो इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि एक्स अक्ष को हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं, या सिंपल बोलिए कि क्षैतिज रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। और जो उदग्र रेखा, जो ऊपर में जो रेखा है ना, ये उदग्र रेखा, इस उदग्र रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, वाई अक्ष कहते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या लिखा हुआ है, इन दोनों अक्षों के बीच का कोण 90 होता है। देखिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इसका जो बीच में कोण बनता है ना, इधर भी 90 होता है, इधर भी होता है 90, इधर भी होता है 90, यानी कि चारों तरफ कितना होता है, 90। यानी कहने का मतलब हुआ कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करता है। आपसे प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि अक्षों के, यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को कितने डिग्री के कोण पे काटता है। तो आपका आंसर होगा क्या कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो है ना, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है, या 90 डिग्री पर लंबवत खड़ा है, ठीक है। वो लिखे एक दूसरे, यानी अर्थात यह हुआ कि दोनों एक दूसरे पर लंबवत है। देखिए एक्स पर वाई लंब है और वाई पर एक्स लंब है, इधर से बोलिए, इधर से बोलिए, नीचे से बोलिए, ऊपर से बोलिए, एक दूसरे पे क्या है, वो लंबवत है, एक दूसरे पे क्या, 90 डिग्री पर खड़ा है। दोनों अक्षों
यानी कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों अक्ष हो गया, दोनों अक्षों के कटान बिंदु जो यहाँ से इधर से कटा यहाँ पे और यहाँ पे जो कट गया है ना, यहाँ जो कटा है ना, कटान बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, इसको मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु को ओ से सूचित किया जाता है, वही लिखे हैं कि कटान बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, जिसे हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। यानी मूल बिंदु को हम लोग क्या करते हैं, ओ से सूचित करते हैं। याद रहेगा ना कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं और मूल बिंदु को हम लोग ओ से सूचित करते हैं। और याद रहे कि मूल बिंदु का निर्देशांक पूछेगा तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0। कहने का मतलब हुआ यहाँ पर एक्स का भी मान 0 होता है और वाई का भी मान 0 होता है, यानी मूल बिंदु पर जो है ना एक्स का भी वैल्यू 0 और वाई का भी वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है ना, चलिए अगले टॉपिक की ओर चलिए। अब जानते हैं अक्ष के बारे में, यानी अक्ष तो हो गया, जानते हैं चतुर्थांश के बारे में। चतुर्थांश जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पाद कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा हो गया वाई अक्ष, ये हमारा हो गया एक्स अक्ष। इस पर ध्यान दीजिएगा, इसका मूल बिंदु हो गया 0, हो गया ना। तो चलिए इसका जो होता है यहाँ जो x का और y का जो वैल्यू होगा दोनों होता है x भी प्लस में और y भी होता है प्लस में। तो सबसे पहले x का मान लिखा जाता है, उसके बाद y का मान लिखा जाता है। ठीक है ना, जब इसमें आएंगे तो x का वैल्यू हो जाता है माइनस में और y का हो जाता है प्लस में। जब इसमें आते हैं तो हमारा x का भी वैल्यू माइनस में और y का भी वैल्यू माइनस में। इधर आते हैं तो हमारा x होता है प्लस और y हो जाता है माइनस। इसको हम लोग बोलते हैं 1st, मतलब प्रथम पाद कहते हैं इसको, प्रथम पाद, या कोई इसको बोलते हैं क्या, प्रथम चतुर्थांश। इसको जब यहाँ आते लिखते हैं 2nd सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग क्या, द्वितीय पाद या द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं। जब इसमें आते हैं तो तीसरा में 3rd थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग तृतीय पाद। इसमें आते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, फोर्थ, यानी कि चतुर्थ पाद। ठीक है ना, तो आपको इस तरह से यह हमारा क्या चतुर्थांश है, क्वेश्चन इस तरह से आपसे आता है। ठीक है ना, आप सब भी जानते हैं, अगर क्वेश्चन बैंक उल्टा देखिएगा अथवा कैसे पर कोई भी सेट देखेगा ना, उसमें जो है ना इन चतुर्थांश में से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन फिक्स है कि आता है ऑब्जेक्टिव, इस तरह से आता है ऑब्जेक्टिव। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि बिंदु इसे ए दे दिया 3 2 किस पाद में स्थित है, ऐसा आपका ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक है ना, दे देगा बिंदु किस पाद में स्थित है, तो आपको कुछ नहीं करना है, देखना है यहाँ पर कि x का जो है ना चिन्ह क्या है प्लस और y का चिन्ह क्या है प्लस, दोनों प्लस प्लस है ना, तो देखना है किस में दोनों में प्लस प्लस है। देखिए इसमें x का भी वैल्यू प्लस है, y का भी वैल्यू प्लस है ना, इसका मतलब हुआ यह बिंदु जो होगा प्रथम पाद में होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश हो गया। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि बिंदु से बी लेते हैं -3 2, चलिए 12 ही लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, किस पाद में स्थित है। चलिए आपका यह प्रश्न है किस पाद में है, तो कुछ नहीं करना है आपको, खाली इसका चिन्ह देखना है, इसका चिन्ह क्या है माइनस, इसका चिन्ह क्या, कुछ नहीं तो प्लस रहता है तो प्लस, तो माइनस प्लस किस में है, तो एक्स का भी मान है माइनस में, एक्स का मान माइनस है, वाई का मान प्लस में, तो माइनस प्लस किस में है, तो माइनस प्लस देखिए किस में है, दूसरा में है। इसका मतलब यह बिंदु बी जो होगा किस में होगा, या द्वितीय पाद में होगा, द्वितीय
बाद में होगा। तो अगर रहेगा हमारा x का भी वैल्यू प्लस में, यानी कि प्लस प्लस रहेगा तो वह किस पाथ में होगा, प्रथम में होगा। अगर माइनस प्लस होगा तो वह किस में होगा, द्वितीय में होगा। अगर माइनस और माइनस, x का भी वैल्यू माइनस और y का भी वैल्यू रहेगा माइनस, तो वह क्या होगा, तीसरा पाथ में होगा। और अगर है x का वैल्यू प्लस और y का है माइनस, ऐसा रहेगा तो वह किस में होगा, चौथा में होगा। इस तरह से आपका प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है ना, फिर से इसी तरह से ही पूछा जाता है। तो आप उम्मीद है कि आप यह चीज़ समझ गए होंगे, थोड़ा और इस पर हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए चलिए मैं क्लियर से आपको एक बार लिख देता हूं। यदि x रहेगा प्लस में और y भी रहेगा प्लस में, ऐसा लिखा रहेगा ना, किस में होगा, तो प्रथम पाद में होगा, प्रथम पाद, ठीक है ना। यदि हमारा रहेगा x रहेगा माइनस में और y रहेगा प्लस में, जब ऐसा लिखा रहे यानी कि x का वैल्यू माइनस में और y का वैल्यू प्लस में रहे, वह किस में होगा, द्वितीय पाद में होगा। यदि कोई भी बिंदु अगर x भी रहे माइनस में और y का भी वैल्यू रहे माइनस में, यानी x निर्देशांक भी माइनस और y निर्देशांक भी माइनस रहेगा, तो वह किस में होगा, तृतीय पाद में होगा, है ना। अगर यदि x रहे प्लस में और y रहे माइनस में, ऐसा रहेगा तो वह किस में होगा, चतुर्थ पाद में होगा, किस में होगा, चतुर्थ पाद में होगा, जब ऐसा संबंध रहेगा तब। चाहे आप इसको भी याद कर सकते हैं अथवा आप ग्राफ पे आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड, इसको बोलते हैं थर्ड, इसको बोलते हैं फोर्थ, ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा एक दो प्रश्न भी थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। प्रश्न यही है, बिंदु ए माइनस थ्री माइनस सेवन किस पाद में होगा, ठीक है ना। पाद का वर्ण होगा कि चतुर्थांश में होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको दोनों का चिन्ह देखना है, माइनस है और भी माइनस है, यानी x का भी माइनस है और y भी माइनस है, यानी इस रूप में है ना, x यहाँ यह x हो गया, यह y हो गया। तो x का भी मान माइनस में है और y का भी मान माइनस, यानी x भी ऋणात्मक और y भी ऋणात्मक, जब और दोनों रहेगा माइनस, वो किस पद में होगा, होगा तीसरा में। आप लोग सोचते क्या, थ्री आर डी चतुर्थांश, यानी यह चित्र यह जो है ना तीसरा चतुर्थांश में है, है ना। तो उम्मीद है कि आप यह बात समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाने के लिए चाहता था, ठीक है ना। चलते अगले टॉपिक, चलिए कुछ बिंदु है जो कि महत्वपूर्ण बिंदु है। तो पहला है कि किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाने के लिए या फिर दिखाने के लिए सबसे पहले x निर्देशांक को लिखा जाता है, उसके बाद y निर्देशांक को लिखा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद लिखा है नंबर दो में कि मूल बिंदु का निर्देशांक होता है जीरो जीरो, उसके बाद x x के निर्देशांक को हम लोग क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि x का मान को हम लोग भुज कहते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से कि y निर्देशांक को हम लोग क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, यानी कि y को हम लोग क्या बोलेंगे, कोटि कहेंगे। उसके बाद क्या लिखे हैं, पांच क्वेश्चन नंबर पांच पॉइंट में है कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x जीरो होता है। कहने का मतलब हुआ कि x अक्ष पर, ठीक है ना, कोई भी ग्राफ जाएगा अगर वो x अक्ष को काटेगा तो x अक्ष पर जो है ना y का मान क्या होगा, जीरो होगा। सिंपल सी है, अगर दो व्यक्ति मान लें कि आप और हम हैं, ठीक है ना, तो मेरा घर में आपका अधिकार क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जीरो होगा। उसी तरह से क्या लिखे हैं, x अक्ष पर, कौन अक्ष पर, x अक्ष पर, मतलब x घर में हुआ तो x अक्ष पर, यानी कि जब यह x अक्ष पर होगा ना तो x अक्ष पर y का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। उसी तरह से y अक्ष पर जो है ना x का मान क्या होगा, जीरो होगा। वही लिखे हैं x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x कोमा जीरो, यानी कि y का वैल्यू क्या होगा, जीरो। x यहाँ पे तीन चार पाँच कुछ भी हो सकता है। उसी तरह से y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, जीरो y। तो y का जगह y ही रहेगा, तो यानी कहने का मतलब हुआ कि y अक्ष पर x का मान क्या होगा, जीरो,
और वाई का क्या होगा, तीन चार पानी की कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमने क्या लिख दिया, सिर्फ वाई ही लिख दिए, ठीक है ना। बस आज के लिए इतना ही, और सब बहुत है इसमें जो है ना पॉइंट बाकी है जो कि अब कल देखते हैं, आज के लिए इतना रहने देते हैं, ठीक है ना। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा, जितना भी पॉइंट है आपको आपका कोचिंग में भी इसी तरह से पढ़ाया जाएगा, इतना पॉइंट लिखाया जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि मैं कि अगले वीडियो जो बनाऊंगा, जो शुरू करूंगा, उसमें और जो बचा खोचा जो भी पॉइंट होगा मैं आपको बता दूंगा, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव में परेशानी ना हो, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव आपका 50% हो चुका है, आप लोगों को भी पता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव आप पूरा से पूरा बना सको, इसलिए आपको यह थ्योरम यह पॉइंट आपको याद रखना होगा, आपको पढ़ना होगा, ठीक है ना। केवल मैथ बनाने से नहीं होगा, क्योंकि मैथ बनाइएगा तो सब्जेक्टिव आपको 50 नंबर मिलेगा, बचा 50 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, और ऑब्जेक्टिव कहाँ से निकलेगा, बस यही सब तो हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव ही है, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं, गुड नाइट।